आप इस क्लास के टीचर हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आपके गाने का मतलब है कि आप इस क्लास के टीचर हैं? हाँ जी, टीचर या टीचर बात तो कई हो गई। आप इन विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रहे हैं? ये तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब बच्चे हैं, इनका सिलेबस अब कुछ देखिए, सभी को पता है। ठीक है, करके तो देखते हैं। कौन कौन बताएगा कि जमीन और पानी पर आने वाले पांच जीवों का नाम? खड़े हो जाओ। यस सर, बताओ तो। मेंढक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, देखिए तो बता दिया। ठीक है, और चार बताओ। तो चार क्या? पांच छो सौ नब्बे। मेंढक के पिता, मेंढक के माता, मेंढक के बेटा, मेंढक के बेटे, मेंढक के पोता। क्या बोल रहे हो? खाने के बाद भूख नहीं लगता और दूध के बाद भी नहीं। सर आप ही बताइए ना, इसमें क्या बीमारी है? सर ये इसका बीमारी नहीं है, ये इसका आदत है। तुम बैठ जाओ। सर 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 दूसरे से पूछ लीजिए, वो कल नहीं आया था। ठीक है, खड़े तो हो जाओ। यस सर। गंगा किस नदी किस स्टेट में बहती है? सर जी मुझे अरे तुमको पढ़ाया किसने है? सर इसको ये नहीं पता होगा। सर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते, पूरा विश्वास है कि ये बता सकता है सर। ठीक है, अब यह प्रश्न दूसरा है। अब बताओ कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? उसके आखिरी युद्ध में। सर आप इसे क्या पूछ रहे हैं? आप इसे बैठाइए। आप एक बार तो पूछ के देखिए, मैं इस क्लास में हमेशा पढ़ जाता हूँ, मैं आपके सवाल को सही सही जवाब दूंगा। ठीक है, तुम अपनी भी इच्छा पूरी कर लो, पहले अपना नाम तो बता दो। मेरा गुरु पढ़वा नाम है। अच्छा ठीक है, ए बी सी डी सुनाओ। ए बी सी डी और सुनाओ। वेरी गुड, और सब बढ़िया, आप सुनाओ। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। सॉरी, हमने आपके सभी बच्चों को देख लिया, अब हम जा रहे हैं। बस आप इतना बता दीजिए कि आपके गांव के जो पर्वत में सड़क है, वो सड़क कहाँ जाती है? वो तो कहीं नहीं जाती, वो तो वही की वही पड़ी है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। अरे तुम तो अपने से कोई घर पर पढ़ने वाला विद्यार्थी है या नहीं? अरे तो जाऊंगा। पढ़ना क्या है? खाना बनाने का तरीका ये कड़े की गाड़ी में लिए। बस बस बैठ जाओ। सर आप कह रहे थे कि इनका सिलेबस कम्प्लीट है, कहाँ कम्प्लीट है? इनका इनसे कुछ भी सवाल का किया जाए तो गलती जवाब देते हैं। सही तो बोलते हैं सर। क्या सही बोलते हैं? किसी से पूछा जाए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहता है कि दूल्हा बनोगे। किसी से पूछा जाए कि जमीन और पानी पर आने वाले पांच जीवों का नाम बदलाओ, तो मेंढक के खानदान का नाम बदला देता है। हमको मजाक आप समझे क्या? नहीं सर। क्या नहीं? आपसे भी कुछ भी पूछा जाता है जो आप कहते हैं कि ये सड़क वही जाते ही नहीं है, यही नहीं है। बताइए तो आपको मैं डिजाइन करता हूँ। क्या सर आप इस स्कूल से निकलवा जाता है क्या सर? हाँ गार्ड दो जी सो लीजिए। अपना पूरा नाम बोलिए तो। मेरा नाम अमेरिका सिंह चौधरी है। अच्छा ठीक है, अपना पूरा नाम बोलिए। अमेरिका सिंह चौधरी। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन कीजिए तो। सर मुझे माफ करिए, गलती कभी नहीं करूंगा। आपको कुछ करता ही नहीं है तो इसमें माफी की सवाल जवाबी कान बनती है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं नहीं, आपको पैर नहीं पकड़ पड़ना, आपको यहाँ पर साइन करना है। आप बच्चों का भविष्य क्या रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर साइन कीजिए। सर मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं साइन कीजिए। चलिए, नाटक के जरिए आप सभी को दिखाया गया है कि आजकल के कुछ विद्यार्थी एवं शिक्षक
शिक्षक की दशा इसी प्रकार की हो गई है। आप सभी अभिभावकों से हमारी विनती है कि आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दें और मैं सभी सरकारी शिक्षकों से विनती करना चाहता हूँ कि आपको अगर सरकार की ओर से देना मिलता है तो आप अपने बच्चों की तरह सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करें, अन्यथा एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो शिक्षक अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं उठाएंगे इसी शिक्षक की तरह उनका लाभ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया नाटक दिखाया हमारे अगस्त सिंपल क्लास 8 के विद्यार्थी।